सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पेंट करने वाले हैं एक पुरानी कैसेट पे। यस, सही सुना आप सबने, आज हम पेंट करेंगे एक कैसेट पे। तो सबसे पहले इसमें मैं सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम इसमें बहुत सारा सैप ग्रीन कलर पोत लेंगे। जल्दी जल्दी से हम इसमें बहुत सारा सैप ग्रीन कलर पोत लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा पोतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया है। यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस गाइस। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना छोटू सा ब्रश लेकर थिन वन, यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं अपने एलिमेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। एंड जस्ट वेट गाइस, आप जानते हैं मेरी पेंटिंग ज़्यादा टफ नहीं होती, मैं बहुत इजी इजी पेंटिंग बनाती हूँ ताकि वो आप सब बना पाएँ। और एंड में ये बहुत सुंदर लगने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी इसका फाइनल लुक पता चल पाए। सो आई स्टार्टेड कलरिंग। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपनी ओल्ड कैसेट को बहुत कलरफुल बनाना है। एंड हेयर कलरिंग कलरिंग एंड कलरिंग गाइस। एंड गाइस, आई वांट टू नो कि आपको ये मेरी पेंटिंग ऑन थिंग्स वाली सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं, या फिर मैं कुछ और ट्राई करूं। जस्ट सजेस्ट मी गाइज प्लीज। और मुझे ये ऊपर वाला येलो पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने इसमें लेमन येलो कलर कर दिया। एंड सी गाइज, मुझे इसमें बीच में काफ़ी खाली खाली जगह दिख रही थी सो मैंने इसमें भी डिटेलिंग ऐड करना चालू कर दिया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सर्कल्स ऐड करे हैं इसमें। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है और देखने में उतना ही सुंदर लग रहा है। एंड इट्स डन गाइस, लुक एंड सी हाउ इट्स लुकिंग। मैंने एक और कैसेट जस्ट फॉर ट्राई डेकोरेट करी थी, मैंने इसमें मोल्डेड क्ले भी यूज़ किया है। एंड ये रही मेरी दोनों कैसेट। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।